ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दो दिवसीय जिला स्तरीय महिला व पुरुषों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ बास्केटबॉल मैदान रोड़ा में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने प्रदेश सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए 3% आरक्षण दे रही है। उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ वे खेलों को भी अपना कैरियर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर को खेलों का हब बनाने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए करोड़ों रुपए व्यय भी किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर स्थित बास्केटबॉल स्टेडियम में दो दिवसीय जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष शुरू हो गई है। जिला बिलासपुर बास्केटबॉल संघ द्वारा करवाई जा रही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया। प्रतियोगिता में जिला भर से महिला और पुरुष करीब 18 टीमों ने हिस्सा लिया। जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसके बाद जिला भर से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट करके मुख्य अतिथि को सलामी भी दी। दो दिवसीय जिला स्तरीय महिला व पुरुषों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बास्केटबॉल मैदान रोडा मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए 3% आरक्षण दे रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी करियर बनाए जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर को खेलों का हब बनाने के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर जल, नभ और थल तीनों प्रकार की खेलें खेली जा सकती हैं और हाल ही में खेलों के सफल आयोजन जिला बिलासपुर में करवाए गए। उन्होंने बताया कि लगभग 6.5 लाख रुपए की धनराशि खर्च करके बास्केटबॉल मैदान में हाइड्रोलिक डंकन रिंग बॉम्ब पोल के 2 सेट सीगर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए विभाग को धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने ग्राउंड के अंदर आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु फेसिंग तार सीगर लगवाने का आश्वासन भी दिया। सरकार खेलों के लिए और खेलों के विकास के लिए काम भी कर रही है और उसमें बिलासपुर जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और सरकार का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में बिलासपुर जिला खेलों का हब भी बनने जा रहा है और यहां पर हर प्रकार की खेलों की भविष्य भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और लोगों को उम्मीदें भी हैं।